अक्सर सर आप बताइए कि इंडिया में कौन सा म्यूजिक प्रेफर किया जाता है? अभी फ्रॉम द पास्ट टू इयर्स मैंने नोटिस किया है कि अभी पूरा ये जो क्रेज है गोइंग टूवर्ड्स ईडीएम। मैं ये कहना चाहता था कि व्हाई आर दीज ईडीएम गाइस, अभी आप एग्जांपल ले लो अविशी, आप हार्डवेयर ले लो, आप टीएसटी ले लो, व्हाई आर दे पॉपुलर, व्हाई आर दे सो मच पॉपुलर, व्हाई आर दे नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर टेन इन द वर्ल्ड? क्योंकि उनके कंट्री के जो लोग हैं वो उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, जो हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। उनके कंट्री के लोग पहले उनको बहुत बड़ा बना, जो अविशी है जो इज फ्रॉम स्टॉकहोम स्वीडन, उधर इज लाइक अ गॉड हो, क्यों? उनके कंट्री के लोग उन्हें बहुत सपोर्ट, तेज तो है हार्डवेयर दे, इतने लोग छोटे गांव है, ब्रेडा करके एक गांव है नेदरलैंड्स में नेक्स्ट टू एम्स्टरडम, बहुत छोटे, दे आर फ्रॉम स्मॉल विलेजेस। अभी हार्डवेयर एज इज वॉट 25, अविशी इज वॉट 24, they become world number 3, world number 7 in such a young span of time. Why? Because unke country ke log ne unko bahut support kiya, Amsterdam, Netherlands, Holland, all these people, they have supported them itna kar kiya ki unko ekdam ek avatar bana diya, and that's how it spread. Europe mein spread ho gaya, slowly slowly globally spread ho gaya, aur ye log ki hamare country mein unfortunately hamara udhar ye music kya hai, ye Dutch house bolte hain, ये क्यों डच हो गया? क्योंकि ये डच कंट्री है, ये उनका म्यूजिक है, ये उनका जैसे कि नेशनल म्यूजिक हो गया, तो उनके कंट्री में उनका म्यूजिक इतना उन लोग सम्मान देते हैं, उनके म्यूजिक को इतना, उनका म्यूजिक इतना क्रिएट प्रोग्रेसिव है, और इतना उन लोग सोचते कि ये हमारा डच में, हम लोग बहुत प्राउड है, हम लोग डीजेस होने के नाते इंडिया में हम लोग कितना प्राउड फील करते हैं बॉलीवुड, हम लोग कितना, अगर आज एक सनबर्न फेस्टिवल हो, ये वो पूरा फुल जाता है, पूरा पैक्ड हो जाता है, टिकट्स बिक जाते हैं, पर आज एक अगर डीजे अकबर सामी होगा, डीजे अकील होगा, मैं होऊंगा, कितना कौन सा शो होगा कि जो पूरा फुल होगा सोल्ड आउट? तो हमारे लोग को कभी कभी शर्म आती है कि हम लोग बॉलीवुड म्यूजिक बजा रहे हैं, उनको मन में पसंद है। अगर आप कोई भी वेडिंग ले लो, कोई भी संगीत पार्टी ले लो, कोई भी प्राइवेट पार्टी ले लो, उसमें कभी ईडीएम नहीं बजता है, उसमें बॉलीवुड ही बजता है, क्योंकि वो बॉलीवुड ही जब बजाएंगे तभी क्राउड डांस फ्लोर पे आएगा। तो ये जो इट्स वेरी गुड टू नो अबाउट अदर पीपल्स कल्चर, टू नो अबाउट ये फॉरेन कंट्री में ये डच हाउस है, ये उनके कल्चर और उनके म्यूजिक के बारे में जानकारी रखना बहुत ही अच्छी बात है, बट यू मस्ट प्रैक्टिस एंड फॉलो योर ओन कल्चर। यू शुड बी ऑलवेज प्राउड कि हम लोग इंडियन है, हम लोग के वहाँ से भी ऐसे ऐसे आर्टिस्ट है, AR रहमान है, बहुत सारे जन है जो सुपर है, जो एक वर्ल्ड लेवल पे पहुंचे, ऑस्कर अवार्ड्स जीते उनके फील्ड में, यू नो, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। हमको ऐसा माइंड नहीं बनाना चाहिए कि मैं खाली हाउस बजाऊंगा, टेक्नो बजाऊंगा, डबस्टेप बजाऊंगा, यू नो, ग्लिच हॉप, ट्रैप, हमें और कुछ और सोचूंगा ही नहीं। वैसा अगर सोचेंगे तो हम लोग ऐसा ऐसे सोचें, हम लोग को ऐसा सोचें कि मैं सब बजाऊँ जिससे पब्लिक खुश हो। मैं भले अगर मैं कोई एक्सीलेंट एकदम कोई हाई फाई पार्टी में, ठीक है, मैं हाउस बजाऊँ, अगर मैं एक नॉर्मल क्राउड में हूँ तो मैं सब थोड़ा मिक्स करूँगा, थोड़ा बॉलीवुड, थोड़ा पंजाबी, थोड़ा ये, थोड़ा वो, थोड़ा हिप हॉप। व्हाई मेक ओनली, यू नो, व्हाई लिमिट योरसेल्फ टू ओनली वन जॉनर व्हेन यू कैन प्ले विद ऑल द जॉनर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि उधर के सब डीजे के अपने वो हिस्ट्री मालूम है, बायोग्राफी मालूम है, सब कुछ मालूम है कि ये डीजे ये इधर पैदा हुआ, इसने ये किया, अभी इसने ये टूर किया, सब हम लोग को सब अपडेटेड है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं आपको जो हनी सिंह कितना फेमस है, उसका रियल नेम क्या है, इसको पता है? नहीं, हिरदेश सिंह, बट इट इज क्लियर। सो दैट्स व्हाट, अभी ये 20 जन में एक आदमी को पता, वो भी गलत। तो आई मीन, अभी हनी सिंह आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा आर्टिस्ट है? उसने इतने सारे हिट दिए, उसने उसका एल्बम निकाला इंटरनेशनल मैनेजर, अभी उसने फिर से इतने सारे बॉलीवुड मूवीज में ये ग्लोबली अभी जाना जाता है, वो अलग अलग कंट्री में, हम लोग साथ में अभी न्यूयॉर्क में 8 तारीख को परफॉर्म कर रहे थे, तो ही सो बिग, बट नोबडी इन अवर कंट्री नोज हिज हिस्ट्री। पर अभी मैं बोलूंगा अविशी किधर से, सब लोग हाँ स्वीडन से, स्वीडिश हाउस माफिया के, अरे सुपर सुपर, डोंट यू वरी चाइल्ड, सबको मालूम। पर हम लोग का खुद का ये जो ये जो लैक है, यू नो, दिस इज लैकिंग। तो वी शुड, एज आई सेड बिफोर, रिस्पेक्ट एंड नो अबाउट अदर पीपल्स कल्चर, बट वी शुड प्रमोट एंड फॉलो अवर ओन। तो हम लोग में अगर ये रहेगा तो देन ओनली एंड यू ऑल आर गोइंग टू बी फ्यूचर डीजे।
आप लोग इस कंट्री के ऐसे फ्यूचर आर्टिस्ट हो, कोई आप में से इधर प्रोग्रामर बनेगा, कोई अरेंजर बनेगा, कोई म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा, कोई हाई फाई क्लब में डीजे बनेगा, आज से 5 साल छोड़ के, 2 साल छोड़ के, 10 साल, बट अगर यू नो वो आप थॉट लेके चलिए कि मैं मेरा कंट्री को प्राउड करूँ, मैं भी ऐसा कुछ काम करूँ कि लोग मुझे बुलाए, लोग मुझे इंडिया का डीजे बोले कि दिस इज इंडियन का, यू नो ही इज फ्रॉम इंडिया एंड ही इज रॉकिंग द वर्ल्ड.